नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 जुलाई बुधवार सुबह 6 बजे राजस्थान की एक खास खबरें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा की टीम ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए झालावाड़ के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ब्रह्म प्रकाश आर्य को 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। रिश्वत की राशि उन्होंने अपने कार्यालय में लगी टैक्सी के बिल भुगतान के एवज में ली थी। साथ ही रिश्वत की राशि के लिए लंबे समय से ये टैक्सी मालिक सवाईमाधोपुर निवासी वीर सिंह मीना को तंग कर रहे थे और उसका बिल भुगतान नहीं होने दे रहे थे। बता दें कि परिवादी ने रिश्वत की राशि बैंक खाते में जमा करवाई थी, जो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आरोपी ब्रह्म प्रकाश आर्य ने परिवादी को दिया था। बैंक खाता नंबर किसी शंकुतला नाम की महिला का है, जो कि ब्रह्म प्रकाश आर्य की परिचित है। सोने से जेवर बनाने का काम करने वाले एक बंगाली कारीगर सीकर के करीब दर्जन भर व्यापारियों का 2 किलो सोना लेकर रातों रात फरार हो गया। सोने की कीमत करीब 75 लाख रुपए आंकी जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी फूल कवर पिछले 16 सालों से सीकर में सोने की घड़ाई का कार्य कर रहा था। आरोपी ने शहर के सुभाष चौक में अपनी दुकान कर रखी थी। कारीगर के रातों रात फरार होने के बाद ठगे गए लोग कोतवाली पुलिस थाने पहुंचे और रूप कवर के खिलाफ रिपोर्ट दी। पुलिस ने बताया कि शहर के सुभाष चौक स्थित नरसिंह मंदिर के पास आरोपी ने दुकान कर रखी थी। सोमवार की रात से दुकान बंद थी। जब मंगलवार को भी दुकान नहीं खुली तो लोगों को शक हुआ। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पंजाब के सीएम पर हमलावर कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की तारीफ करके नए सियासी समीकरणों की ओर इशारा किया है। 3 दिन पहले आप पर हमलावर सिद्धू ने अब उसकी तारीफ की सियासी गुगली फेंक कर सबको चौंका दिया है। सिद्धू ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि पंजाब में विपक्षी पार्टी आपने हमेशा अपने विजन और काम को पहचाना है। 2017 में बेअदबी, ड्रग्स, किसान और करप्शन के मुद्दे हो या अब राज्य का मौजूदा बिजली संकट हो या फिर अब मैं पंजाब मॉडल पेश कर रहा हूँ, वो जानते हैं कि वास्तव में पंजाब के लिए कौन लड़ रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यूजी और पीजी फाइनल ईयर की परीक्षा 29 जुलाई से हो सकती है। परीक्षा नियंत्रक राकेश राव सहित कमेटी परीक्षा की तैयारी कर रही है। 29 जुलाई से परीक्षा करवाने का प्रस्ताव कुलपति को भेजा जाएगा। कुलपति के मंजूरी के बाद इसकी अधिकृत घोषणा की जाएगी। यूजी पीजी फाइनल के साथ सेमेस्टर में शेष बची परीक्षा पहले फेज में कराने का निर्णय किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले राजस्थान के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी और कॉलेज की परीक्षाओं को लेकर अहम घोषणा की है। डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया है कि परीक्षाएं केवल अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के फाइनल ईयर के छात्रों के लिए आयोजित की जाएगी। साथ ही बताया कि परीक्षाओं का आयोजन जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के पहले सप्ताह में किया जा सकता है। जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के हड्डा पंचायत के चाहडू गांव में बरसाती पानी में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। दोनों बच्चे हड्डा सरपंच के पोते बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र में बरसात में भरे पानी के एक गड्ढे में दोनों मासूम नहाने गए थे। परिजन दोनों बच्चों को राजकीय जवाहर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। एक मासूम 6 तो दूसरा 8 साल का था। उदयपुर जिले के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के बोहरा गणेश इलाके में बाइक सवार बदमाशों द्वारा दिन दिहाड़े महिला के गले से चैन छीनकर ले जाने का मामला सामने आया है। चैन छीनने से पहले बदमाशों ने महिला के साथ मारपीट की और फिर महिला को घायल कर उसकी चैन छीनकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं यह लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। अजमेर जिले के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने पीटा एक्ट की बड़ी कार्रवाई करते हुए कुछ युवक और युवतियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना के बाद सीओ नॉर्थ प्रियंका रघुवंशी के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। प्रदेश में निजी स्कूलों पर शिकंजा कसा जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार अब निजी स्कूल 1 साल से ज्यादा का बकाया नहीं मांग सकेंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इसके संकेत दिए हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग जल्द ही आदेश निकालने जा रहा है। किसी बच्चे से स्कूल पिछले 7 से 8 साल का बकाया नहीं मांग सकता है। बिना टीसी एडमिशन को लेकर उन्होंने कहा कि ये प्रोविजनल किया गया है, यह पहले भी था। इससे 4 लाख बच्चों का ड्रॉप आउट रुकेगा। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने यमुनानगर जिले के हथनी कुंड बैराज से 16,000 क्यूसेक पानी यमुना नदी में छोड़ा है और अब राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट दूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि डीजीबी के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने और पड़ोसी राज्य के अधिकारियों के साथ कई दौर की वार्ता के बाद हरियाणा ने दिल्ली के हिस्से का पानी छोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1996 में हरियाणा सरकार व अन्य राज्यों को यमुना का पानी साझा करने को कहा था,
ताकि दिल्ली में पेयजल की कमी नहीं हो। जल बोर्ड ने हरियाणा सरकार को दिल्ली के हिस्से का पानी जारी करने का निर्देश देने के लिए रविवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अलवर जिले की पुलिस ने आईपीएस विकास सांगवान के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन पॉर्न साइट पर काम करने वाली गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 3 नाबालिग सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी बड़ौदामेव थाना इलाके के रहने वाले हैं। आरोपियों के खिलाफ तेलंगाना में 80 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। आरोपी 600 से ज्यादा मोबाइल सिम का उपयोग कर चुके हैं। कुछ लोगों से पिछले 1 से 2 साल में आरोपी 1 करोड़ रुपए से अधिक रुपए वसूल चुके हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.